संबंधित भाई बहन सरपंच बनते हैं, प्रधान बनते हैं, पंचायत के सदस्य बनते हैं, उसके लिए चाय का प्याला अलग होता है, पानी का ग्लास अलग होता है। 54% गांव में दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग बिठाया जाता है। अगर ये हाल गुजरात का है तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का हाल क्या होगा। तो बाबा साहब ने पूरी जिंदगी का जो संघर्ष है, उसके 5 में से 4 बच्चे मर गए दवाई के पैसे नहीं थे इसकी वजह से, लेकिन उसके बारे में कभी रोए नहीं। उसका रोना नहीं की था कि मेरे समाज की हालत ऐसे क्यों है। अब बाबा साहब जिंदा है कि नहीं है, हमारे सोच में, हमारे दिलों में, हमारे इरादों में जिंदा है। तो हमें जो पीड़ा होती है, बाबा साहब को पीड़ा होती है, इसलिए उस सिक्का का नाम रखा है बेमुरुदन। अब क्यों सिक्का बनाया? तो आपने सुना 20,000 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनने जा रहा है, शुरू हो गया काम। कई लोगों ने देश में बोला कि भाई कोरोना की वजह से हजारों लोग मर गए, आपने फोटो देखी थी ना गंगा में लाशें में, और कितने हजारों लोग हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के गए, रोजगारी नहीं है नौजवान लोगों के पास, ये पैसे इसमें दिया जाए, नहीं संसद भवन बनेगा, ठीक है। 1000 साल पहले गुजरात में मेघमाया, आपने नाम सुना है, मेरी मेघमाया ने बलिदान दिया था छुआछूत मिटाने के लिए, उसकी याद में आज भी नया घर बनता है तो हम एक सिक्का डालते हैं, क्योंकि मेघमाया ने बोला था कि मैं, मेरा बलिदान तभी होगा जब पीछे झाड़ू नहीं लगेगा, गले में कुल्हड़ नहीं लगेगा। तो हमने बोला कि संसद भवन बनाओ, लेकिन आपने गलती किया है, मेघमाया की याद में जो सिक्का डालना चाहिए डालना भूल गए आप, हम आपको सिक्का देंगे और ऐसा सिक्का बनाएंगे जो दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं है। तो ये सिक्का है, 2450 किलो पित्तल लोगों ने दान में दिया बर्तन, 10,000 किलो तो गांव में लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, हमने बोला भाई बंद करो अभी जरूरत नहीं है। इतना जोश है लोगों में, क्योंकि कौन चाहता है कि मेरा बच्चा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके साथ छुआछूत हो। मेरे दादा ने सहा, दादी ने सहा, नाना ने सहा, मेरे माँ बाप ने सहा, मैंने सहा, मेरे बच्चे भी सहे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये आंदोलन कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन कोई पार्टी के समर्थन में भी नहीं है, क्योंकि अगर 75 साल में छुआछूत नाबूद नहीं कर पाए, वो भारत की जितनी भी राजकीय पार्टी है वो सबका सामूहिक विफलता है। तो हमारे पास जब मत मांगने आते हैं हमें उसका कान पकड़ना चाहिए कि क्या करना है भाई, छुआछूत के बारे में क्या करना है, कैसी आजादी है जहाँ छुआछूत होता है। अब तमिलनाडु में जाओ तो वहां तो गांव के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती है ताकि दलित का चेहरा नहीं देखना पड़े। बाबा साहब ने लिखा था कि मौलिक अधिकार संविधान में दिया है समता और न्याय और आजादी का, लेकिन बंधुता नहीं होगी, लोग एक दूसरे को अपने भाई बहन नहीं मानेंगे, तो ना तो समता का कोई मूल्य है ना तो आजादी का। अब हमारे देश में अब कहीं भी बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, नए लोग हैं, अनजाने हैं, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो भाई, दूसरा सवाल कहाँ से आ रहे हो, और तीसरा सवाल क्या होगा, तुम्हारी जात क्या है। ये भारत, बाबा साहब ने संविधान लिखा तो ये संविधान से चलना चाहिए, नाजा से नहीं चलना चाहिए। तो हमने बनाया सिक्का, साथ में हमने लोगों को बोला कि हम चंदा भी देंगे। मार्टिन भाई, इस सरकार के पास 20,000 करोड़ रुपया है संसद भवन निर्माण के लिए, उसको पैसे क्यों दें? 2 कारण से देंगे, एक तो दलितों का एक उसके पर कलंक लग गया है कि दलित यानी मांगने वाले लोग, हम कहना चाहते हैं कि मांगने नहीं है आपको देने आए हैं। और दूसरा यह है कि
100 साल के बाद मेरे बच्चे के बच्चे बोलने चाहिए मेरे दादा ने दादी ने ये संसद भवन में 1 रुपया दिया है। हमने लोगों को अपील किया 1 रुपया दे दो बस, अगर आपके घर में 2 इंसान है तो 2 रुपया दो, 5 है तो 5 रुपया दो। वो 2 ट्रक में आप देख सकते हो 20 लाख सिक्के आ चुके हैं। इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ है, इसमें दलितों ने भी दिया है पित्तल और पैसा, आदिवासी ने भी दिया है, ओबीसी ने भी दिया है। हमने बोला जो भी इंसान मानता है कि देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए आप अपना योगदान, तो ये लेके हम निकले हैं। आज शाम दिल्ली पहुंचना है। कई लोग पूछते हैं कि सरकार ना लगे तो क्या करोगे। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखा है, लोकसभा के स्पीकर को भी लिखा है, राज्यसभा के चेयरमैन को भी लिखा है, साथ में ये जो सिक्का है उसका छोटा है 75 ग्राम का तांबा का। हमने लोकसभा और राज्यसभा के सभी 750 सांसदों को चिट्ठी के साथ भेज दिया है। ये बड़ा सिक्का है, उसके पहले आप देख लो कि कौन सा सिक्का आ रहा है। तो नहीं लेंगे हम 24 घंटा इंतजार करेंगे दिल्ली में, नहीं लेंगे तो हम वापस लौटेंगे। लेकिन शायद अगले साल हम मानेंगे कि 20 लाख दलितों की आवाज़ इसको कम लग रही है, और शायद 5 करोड़ सिक्के और 11,000 लोगों की आदमी, तो ये मेरा सिक्का नहीं है। जो भी मानता है, हजारों लोग जो मानते हैं कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, वो सभी का सिक्का है, और हमें सभी को इसमें हाथ जोड़ना चाहिए। कोई भी कीमत चुकाएंगे लेकिन ये देश में से छुआछूत निकालेंगे। तभी बाबा साहब को हमने सही अंत समाज में अंजलि दिया, जय भीम बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। छुआछूत जाना चाहिए, हमारे बच्चे इज्जत से रहना चाहिए। आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, मोहब्बत दिया और मेरे लिए केक मिलाए। मैं नहीं मानता हूँ कोई बर्थडे कभी नहीं मनाता हूँ, लेकिन आपका आग्रह है तो मैं ना नहीं बोल पाया। सभी को जय भीम।